नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 14 जुलाई, कल के सेशन में पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स में हमने हायर लेवल से फिर से गिरावट आती हुई देखी। उम्मीद थी प्राइसेस में एक सपोर्टिव मूव रहेगा, बट जिस ढंग से इंटरनेशनल मार्केट में हमने दबाव बनती हुई देखा, इसका सीधा सीधा असर हमने डोमेस्टिक मार्केट पे भी आते हुए देखा। बट ध्यान रखिए, कॉटन अगर हम चार्टिकली बात करें तो 15,700 से 16,200 का जो दायरा बना हुआ है, इसी दायरे में मेंटेन रहेगा और आज का रेंज भी यही रहने की उम्मीद है। वहीं कपास की बात करें, जब तक प्राइजेस 980-985 के ऊपर नहीं निकलते, पॉसिबिलिटी है कि 960-965 तक का लेवल दिखा दे। वहीं कॉटन सीड ऑयल के जुलाई से अगस्त में शिफ्टिंग है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। आज के ट्रेड सेटअप की अगर बात करें तो जब तक 1980 के नीचे प्राइजेस क्लोज नहीं करता है, चार्टिकली प्राइजेस में स्ट्रांगनेस रहेगी, जो 2080 से 2090 तक का लेवल दिखा दे। 2120 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंट बन जाएगा और 1970 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा और मार्केट इसी बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। फिर से ध्यान रखिए, कोविड-19 के कंसर्न बनना चालू हो चुके हैं। यूएस फिर से लॉकडाउन में चले गया है। इंडिया में भी हम देखें तो कोई स्थिति कोई अच्छी नहीं है। हम 9 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो जिसका मतलब है जो हमने लॉकडाउन से पहले की स्टार्ट ऑफ द मार्च अप्रैल में हमने जो लॉकडाउन देखा था, वैसी सिचुएशन फिर से बनते जा रही है। तो वैसे टाइम पे हमने देखा था शॉर्टेजेस क्रिएट हुई थी और प्राइजेस में खास करके कॉटन सीड ऑयल की एक जंप आया था। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहने की उम्मीद है, बट एक बार 2120 का लेवल निकले तो हम अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। साथ में इंटरनेशनल की भी अगर बात करें तो वाजदर ने कट किया है ग्लोबल प्रोडक्शन एस्टिमेट, जो पहले 118 के आसपास का प्रोजेक्शन था जून में, वो अब घटा के उन्होंने 116.25 रखा है, जिसकी वजह से भी हमें लगता है मार्केट साइडवे है, बट ऊपर में 68 सेंट तक इंटरनेशनल में मिल जाएगा। ओवरऑल हमें लगता है बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटेजी। यही अगर हम चार्ट की बात करें तो हमने पहले भी कहा था, इचिमिको का ये क्लाउड बना हुआ है, जब तक प्राइजेस इस क्लाउड के बाहर नहीं निकलते हैं, प्राइजेस में बड़ी तेजी नहीं आ सकती, ना ही बड़ी मंदी आ सकती है। इस क्लाउड को बाहर निकलने के लिए हमें 2120 का लेवल इंपॉर्टेंटली चाहिए। प्राइजेस अगर 2120 के ऊपर निकलता है अगस्त वायदा, तो हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे, जो 2250-60 का लेवल फिर से दिखा दे। तो ध्यान रखिए, 2120 का लेवल तोड़कर होल्ड करना बहुत जरूरी है। आज के सेशन में हो सकता है मार्केट में थोड़ी गिरावट मिले, बट 1980 जो पिछला लो मारा था, 1980 के सपोर्ट से फिर से बाइंग आती हुई दिखाई देगी। जो 200 डे मूविंग एवरेज, ये पर्पल लाइन 200 डे मूविंग एवरेज है, 1920 के सपोर्ट से मार्केट अगर उठता भी है तो 2060-70 के आसपास का पहला लेवल और 2100 के आसपास का दूसरा लेवल, और 2120 तोड़ने पे हम एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। वहीं कॉटन की बात करें तो कॉटन में भी हमें लगता है कि प्राइजेस 15,800 15,750 का ये जो बेस है, इस बेस को कंटिन्यू मेंटेन रखेगा और हायर साइड में जब तक 16,260 के ऊपर नहीं निकलता है, प्राइजेस एक दायरे में ही ट्रेड करते रहेंगे। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग दिखाई देने लग गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आपको कॉटन और अदर कमोडिटीज के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगे और साथ में सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए बेल आइकॉन के साथ, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।